उसके बाद हमें स्टोन का प्लेसमेंट प्रॉपर ध्यान रखना है। स्टोन मतलब कहाँ पे कौन सा कलर लगाना है वो तो हमारा खुद के चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, कि कौन सा स्टोन लगाना है, कहाँ पे कौन सा कलर करना है। बट ज़्यादातर प्रिपेयर कीजिए आप कि जो आपने पिक्चर चूज़ किया है उसमें जो स्टोन्स हैं उसके अकॉर्डिंग ही लगाने की कोशिश कीजिए, ताकि बाद में आपको कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो जहाँ पे हमें लगाना है वहाँ पे सबसे पहले आपको ऐसे फेविकॉल लगा देना है, फिर आपको ये टूथपिक लेना है। और टूथपिक का ये जो बैक साइड है ये देख पा रहे हैं, ये मोटा साइड, ठीक है, ये मोटा वाला साइड वो आपको ध्यान रखना है। और फिर फेविकॉल यहाँ पे टच कर देना, आपको यही जो हमने लगाया फेविकॉल वो थोड़ा सा ऐसे टच कर लीजिए, बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ऐसे टच कर लीजिए ताकि ये वाला पार्ट थोड़ा सा गीला हो जाए आपका, ठीक है। देन ये जो हमने स्टोन रखे हैं इसको ऐसे ऐसे उठाना है और ऐसे रख देना है, ऐसे उठाना है। लगभग हमारा लगभग क्या सारा ही स्टोन का वर्क हमारा हो गया है, जैसे कि अभी सारा स्टोन वर्क हो गया हमारा, ठीक है। इसके बाद हमारा मक वर्क स्टार्ट होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद हमें क्या चाहिए होगा, 2 या 3 नंबर का एक राउंड ब्रश, ये जो पेस्ट बनाया हमने ये ब्रश से फिलिंग करना है, ठीक है। तो क्लीनिंग करने के लिए क्या करना होता है, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा थंब है, ठीक है, थंब के ऊपर हमें थंब या ये दो, खासकर ये दो फिंगर का यूज है, ये और ये, ठीक है। इस पर क्या करना है, ये देखिए ये वाटर है, ठीक है, ये आप वाटर देखेंगे, ओके। तो बस ये ऐसे ऐसे डिप करना है वाटर में, इसको गीला करना है थंब, ठीक है। और गीला करके क्या करना है, जहाँ जहाँ हमारे स्टोन है वहाँ वहाँ पर जस्ट ऐसे वाटर से आपको ऐसे रब करना है। जब तक स्टोन प्रॉपरली सर्कल में दिखेगा नहीं तब तक आपको ऐसे क्लीन करते जाना है। और ध्यान रहे कि आपको बहुत ज़्यादा एक साथ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा पार्ट कवर करते जाना है। जैसे देखिए आप ये नेकलेस वाला पार्ट में कर रहा हूँ, ठीक है, तो इतना ही आप एक साथ कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट टाइम। फोन पकड़ते समय आपको लाइक जैसे हम लोग पेन पकड़ते हैं ना, पेन या पेंसिल पकड़ते हैं, वैसे पकड़ने की कोशिश कीजिए, मेहंदी के जैसे नहीं, ऐसे नहीं पकड़ना है आपको, ठीक है, ऐसे पकड़ के नहीं करना है आपको, हमेशा पेन के जैसे पकड़ना है। और फिर स्टोन के बीच में एक एक लाइन ऐसे, जहां पे भी स्टोन होगा ऐसे लाइन आएगी, ये ध्यान रखिएगा, ओके। इसके बाद आप अपने हिसाब से पेंटिंग को इधर उधर घुमा सकते हैं, ऐसे जरूरी नहीं कि एक ही पोजिशन में पेंटिंग रख के आपको करना है, ऐसे कॉमास बनाने हैं। Thank you.
कलर कहाँ कहाँ पे करना है, यहाँ पे देखिए। जो भी कलर हम लोग करेंगे उसके सारे जितने भी कलर्स करेंगे उसके दो लेयर्स होंगे, मतलब दो दो बार कोटिंग करनी होगी हमें।